अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके पहले वीडियोस देखे हैं, और अगर नहीं तो इसे यहीं पॉज करके इसका पहला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना यह वीडियो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। पिछले पार्ट में जेम्स को आखिरकार पॉलिन के जर्नल का वो मिसिंग पेज मिलता है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि एनजी की तस्वीर और चार हाथ होते हैं, यानी कि पॉलिन ने एनजी के डेथ के बारे में पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। जेम्स तुरंत इस मिस्ट्री को सॉल्व कर देता है कि वो चार हाथ और कोई नहीं बल्कि एक्स से कनेक्टेड लोगों का है, और लायल शायद इसलिए उन्हें मारने के पीछे क्योंकि शायद यही एक तरीका है डोम को नष्ट करने का। सैम को अब पता चलने पर कि जेम्स भी उन्हीं चार हाथ में से है, कुछ देर बाद वो उसे भी मारने बढ़ता है, पर अपने ही नेफ्यू को मारने की हिम्मत नहीं कर पाता, इसलिए गुस्से में पॉलिन के एक पिक्चर पर बॉटल दे मारता है, जिसे रखते समय उन्हें पॉलिन की एक और भविष्यवाणी वही ऑब्लिक्स क्लू मिलता है, जिस पर उसी लॉकर का नंबर भी लिखा होता है और जो पॉलिन के जर्नल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसे देखकर लाइन हैरान नजर आया था। दूसरी तरफ अब टाउन में भयंकर सैंडस्टॉर्म शुरू हो जाता है, जिसके कारण सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ दोनों रेबेका की मदद से लॉकर को खोलने में सफल हो जाते हैं, पर जोई की तरह उन्हें भी लॉकर में कोई गड़बड़ नजर नहीं आता। पर जब जेम्स जबरदस्ती अंदर के सेक्शन को धक्का देता है, तब वो स्कूल के नीचे एक सीक्रेट गुफा डिस्कवर करते हैं। लायल के खोज में दोनों भी गुफा में उतरते हैं, पर उन्हें क्या पता कि वो अब तक का सबसे बड़ा डिस्कवरी करने वाले हैं। इससे पहले कि दोनों आगे बढ़े, रेबेका से पता चलने पर बार्बी भी उन्हें ज्वाइन करता है, पर कुछ आगे बढ़ने पर एक एक्सप्लोजन के कारण सैम और बार्बी गुफा में ट्रैप हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेम्स मदद बुलाने के लिए निकल पड़ता है। अब दोनों बुरी तरह से फंसे एग्जिट के खोज में गुफा को एक्सप्लोर करते हैं, और उसी दौरान बार्बी उसे कन्फ्रंट करता है कि आखिर उसने अपनी और मेलिनी की इतनी जरूरी जानकारी क्यों छिपा कर रखी। सैम बार बार टॉपिक को बदलता रहता है और मौका देखकर बार्बी को खत्म करने के बारे में सोचता है, पर अंत में वो हर बार रुक जाता है। अब उनके गुफा के आखिर में पहुंचने पर एक विशाल खाई नजर आता है, जो इतना डीप होता है कि कुछ फेंकने पर भी गिरने की आवाज तक नहीं पड़ती। उसी दौरान लकली बार्बी की नजर सैम के छाती पर पड़ती है, जिससे वो तुरंत समझ जाता है कि एनजी का हत्यारा लाइल नहीं बल्कि वही है। सैम बचाव में बताता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि पॉलिन की हर भविष्यवाणी अब तक सही साबित निकली। वो लोगों को मरता नहीं देख सकता। उसी ने सीक्रेटली जेम्स के बेड के नीचे एनजी का ब्रेसलेट रखा, ताकि उस पर शक ना आए। सीक्रेट गुफा के बारे में भी उसे पहले से जनरल के मदद से पता चल गया था। एक बार वो चारों की जान ले लेता तो उसके आखिर में वो खुद आत्महत्या करने वाला था, पर बार्बी के बातों से उसे पछतावा होने लगता है, इसलिए बिना सोचे समझे खाई में कूद जाता है। वहीं बाकी बचे टीनेजर्स अब भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के पीछे कि आखिर मेलिनी का जन्म फिर से क्यों हुआ, इसलिए सबसे पहले हमेशा की तरह डोम से सवाल करते हैं, पर वो काम नहीं करता, इसलिए सभी एग की तलाश में उसी लेक जाते हैं, और कई कोशिशों के बाद वो एग अपने आप उनकी तरफ खींचा चला आता है, जो खास करके मेलिनी के हाथों में ग्लो करने लगता है। घर पहुंचने पर सभी एक बार फिर एग को टच करते हैं, और पहली बार उन्हें पिंक स्टार्स गिरते दिखाई देता है, और जिसके आखिरी में वही ऑब्लिक्स भी नजर आता है जो जेम्स ने अपने ड्रीम में, और मेलिनी को भी याद आता है कि उसने ये बचपन में अपने होम टाउन जेनिथ में देखा था, पर वो सभी इसका कुछ मतलब नहीं निकाल पाते। वहीं गुफा के बाहर स्टैंडस्टॉर्म को रोकने का एक ही चारा होता है। रेबेका के एक्सपर्टी और जिम के लीडरशिप की मदद से टाउन के लोग एक विशाल विंड टावर खड़ा करते हैं, जिसके वाटर स्प्रे टेक्निक से स्टैंडस्टॉर्म कड़ी मेहनत के बाद थम जाता है और टाउन एक और प्रलय से बच जाता है। और बाद में रेबेका और जूलिया एक्सप्लोजन की मदद से बार्बी को रेस्क्यू करते हैं, पर अब बार्बी खाई के रहस्य को सुलझाने के चक्कर में खाई में उतरता है, पर अचानक में आई भूकंप के झटके के कारण वो सैम की तरह खाई के भेंट चढ़ जाता है। जूलिया एकदम शैटर्ड, पीटर के बाद अब उसने बार्बी को भी खो दिया, पर उसे क्या खबर कि बार्बी मरा नहीं बल्कि वो गुफा किसी चमत्कार से सीधे जेनिथ में खुलता है, यानी कि वो गुफा एक वर्म होल की तरह है। इसके अलावा हमें एज एन ऑडियंस एक्टियन एनर्जी के बिली बोर्ड पर वही पोस्टर नजर आता है जिसने जेम्स और नोरी को मैसेजेस भेजा था। अब बार्बी करे भी तो क्या, इसलिए अब वो तुरंत अपने घर पे कुछ सप्लाईज के लिए जाता है, पर वहाँ उसे कोई गैंग घेर लेता है। उनकी बातों से साफ समझ आता है कि बार्बी उनके लिए किसी एक्टियन एनर्जी के कोई सीक्रेट चुराने वाला था, पर डोम में फंस जाने के कारण वो ऐसा कर नहीं पाया। बार्बी किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर अपने डैड को मिलता है, और अब बार्बी के बैकग्राउंड के बारे में और भी सीक्रेट्स रिवील होता है। बार्बी किसी कारण से अपने फैमिली से दूर रहने के लिए उसने आर्मी ज्वाइन की, पर उसके मॉम ने उसके डिप्लॉयमेंट से पहले अपने पहुंच के मदद से उसे डिस्चार्ज करवा दिया, जो अब किसी कारण से नहीं रही। बार्बी अब बिना टाइम वेस्ट किए उनसे फेवर मांगता है कि
किसी तरह उसकी संदेश को जूलिया तक पहुंचाने में वो मदद करे कि वो अब भी जिंदा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब रिवील होता है कि उसके डैड डॉन एक्टियन एनर्जी कंपनी के लिए काम करते हैं और उन्हीं की कंपनी ने डोम में वाईफाई सिग्नल भेजने का टेक्नोलॉजी डिस्कवर किया जो वो जब चाहे कंट्रोल भी कर सकते हैं फायरवॉल की मदद से। अब हमें समझ आता है कि उस दौरान जोई को इंटरनेट कनेक्शन कैसे मिला, पर एक सवाल अब भी बाकी है कि जेम्स को पॉलिन का मैसेज और नॉरी के ट्विटर हैंडल पर किसने पोस्ट बॉम्बार्ड किया। बार्बी अब तुरंत उन्हें एक संदेश भेजने के लिए देता है, पर बाद में उसके डैड के लिए काम करने वाला एक एम्प्लॉई हंटर उसके डैड का पोल खोलता है कि उसके डैड ने उसके मैसेज को ट्वीक करके जूलिया को भेजा है क्योंकि उनकी कंपनी उस एक्ट के पीछे है, पर वो उसकी मदद क्यों कर रहा है ये कुछ ही देर में रिवील होगा। अब इससे पहले कि जूलिया खुशी के मारे कि बार्बी अब भी जिंदा है और उस मैसेज के अनुसार वो एक्ट को लेकर कूद जाए, हंटर से अब सब समझने पर अपने डैड को बिना रिवील किए कि उसे उसके कॉन्स्पिरेसी के बारे में सब पता है वो उन्हें एक और मैसेज भेजने कन्विंस कर लेता है, पर इस बार वो खुद से डायरेक्टली पहेली से भरा मैसेज भेजता है जो सिर्फ जूलिया समझ सकती है कि उसे डोम की किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर उसका इंतजार करना है। बार्बी अब कैसे तो हंटर के मदद से एक फेक आईडी से डोम के करीब पहुंचकर जूलिया को मैसेज देने में कामयाब हो जाता है कि वो अब भी जिंदा है और कुछ भी करके उसे खाई से नहीं कूदना है, पर आखिर में वो गार्ड्स के भेंट चढ़ जाता है। अब यहां जोई को सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये गुफा आया कहां से, क्योंकि उसे ठीक से याद है कि स्कूल के दौरान ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। उसके गेस के हिसाब से ये जरूर डोम से क्रिएटेड पावरफुल मैग्नेट के कारण ये जरूर एक वर्म होल होगा, जो वो एक ड्रोन की मदद से अपनी थियोरी को कंफर्म करने में सफल हो जाता है कि ये वर्म होल डोम के बाहर की दुनिया से कनेक्टेड एक रास्ता है, जो डबल कंफर्म होता है जब लकीली मेलनी एग को लेकर गुफा के करीब पहुंचती है। वो एग तेजी से ग्लो करने के बाद एक तेज रोशनी उन्हें दूसरी साइड की दुनिया रिवील करती है कि डोम जेनिट टाउन से कनेक्टेड है। अब इस तरफ सैम फाइनली अपने बिछड़े सिस्टर पॉलिन से मिलता है जहां उसकी मुलाकात लाइल से भी होती है। सैम पॉलिन से डोम की सारी जानकारी रिवील करता है, पर मेलनी के बारे में जानने पर उन्हें भी हैरानी होती है क्योंकि इसके बारे में उन्हें कभी कोई भविष्यवाणी आई नहीं थी। पर जब उनका कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है एपिसोड के एंड में वही रेड डोर दिखाया है जो सीजन 2 के पहले एपिसोड में पॉलिन ड्रॉ करते दिखाई दी थी। वहीं सेम तरह की डोर बार्बी के डैड के आंगन में दिखाई देती है, पर अब पॉलिन को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है, इसलिए कई कोशिश के बाद वो सैम और लाइल को फिर से डोम चलने पर कन्विंस कर लेती है क्योंकि उन्हें मेलनी के लौटने का रहस्य सुलझाना होगा, और वहीं उसे जेम्स की चिंता होने लगती है। पर वो डोम के अंदर जाए कैसे, अब भी गार्ड्स के कैद में। बार्बी बीइंग अ मिलिट्री मैन उसे तुरंत समझ जाता है कि ये लोग मिलिट्री के लोग नहीं है। सबसे हैरानी की बात कि उनकी नजर शुरुआत से उस पर बनी हुई थी। वो उसे टॉर्चर करते है कि आखिर एग कहाँ है और वो कैसे डोम से बाहर निकला, पर सख्त बार्बी उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। आगे हमें एज एन ऑडियंस पता चलता है कि ये सारे बार्बी के डैड के लिए काम करते हैं क्योंकि बार्बी के डैड की कंपनी एग के खोज में है जिसके बारे में मिलिट्री को पता ही नहीं है क्योंकि उनकी रिसर्च के हिसाब से वो एग अनगिनत एनर्जी का सोर्स है जो उनके बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब हमें क्लियर होता है कि सीजन 1 में डोडी को जो एग के बारे में सिग्नल मिला था वो मिलिट्री से नहीं बल्कि इन गार्ड्स का था, और डॉन का बेटा होने के नाते उन्होंने जानबूझकर अपने बेटे पर नजर बनाई रखी थी, पर बार्बी से उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। वहीं वो चकमा देकर कैसे तो भाग निकलता है। अब पॉलिन डोम के अंदर जाने के तलाश में उन्हें याद आता है कि लॉकर के अलावा उन्होंने एक रेड डोर भी बनाया था जो हो सकता है कि यही वो एंट्री डोर हो, पर कोई आइडिया नहीं कि वो डोर कहाँ है। वहीं उन्हें अब एक नया विजन दिखाई देने लगता है। अंत में वो डोर की तलाश में अपने एक स्टूडेंट से मदद लेने का तय करते हैं और अब उन मैसेजेस का मिस्ट्री सॉल्व होता है। दरअसल जेम्स और नोरी को वो मैसेजेस भेजने वाला हंटर ही था जिसने पॉलिन के कहने पर ये सब किया क्योंकि वो पॉलिन का एक होनहार स्टूडेंट रह चुका था। वहीं हंटर एक सीक्रेट प्रोपेगेंडा चला रहा है जहां वो गवर्नमेंट के सीक्रेट्स को पब्लिकली रिवील करता है, इसीलिए उस बिलबोर्ड पर उनका आइडेंटिटी एक्टियन के कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट संदेश था कि वो लोग पब्लिक से बहुत कुछ छिपा रहे हैं। वहीं हंटर डॉन के लिए इसलिए मजबूरी में काम कर रहा है क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी उसकी हैकिंग के सीक्रेट्स हैं जो FBI को पता चलने पर उस पर एस्पियोनेज केस के अगेंस्ट जेल हो सकती है। उनका लक कि बार्बी भी भागते भागते छिपने के लिए हंटर के घर आ धमकता है और यहाँ फाइनली सभी की मुलाकात एक साथ होती है। लकीली बार्बी का आना यूजफुल साबित होता है क्योंकि वो उस डोर पर बनाए निशान को पहचान जाता है जो उसने बचपन में अपने बेसमेंट के एक डोर पर बनाई थी। अब सभी तुरंत छिपते छिपाते बेसमेंट में एंटर करते हैं जिसके पीछे उन्हें एक गुप्त चेंबर मिलता है, पर जैसे ही वो एंटर करते हैं पॉलिन को अपना वो विजन आंखों के सामने दिखाई देने लगता है और वो विशाल बवंडर उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। और अब सीरीज का कुछ और हल्का प्लॉट रिवील होता है। पहला कि आखिर कैसे बार्बी को मेलनी कहीं देखी सी महसूस हुआ था क्योंकि वो उसकी बड़ी स्टेप सिस्टर है जिसके टूटने के बाद वो चेस्टर्स मिल शिफ्ट हो गए। दूसरा कि नोरी के हाथ
कैसे पोलिन की जर्नल लगी, क्योंकि उनकी फ्यूनरल के दौरान उन्होंने उसकी जर्नल अपने पास रख ली थी। और तीसरा, पोलिन खुद को एक अलग ही विजन में पाती है। उसे एक के साथ मेलेनी दिखाई देती है, जो पहेली में उसे कुछ संदेश देकर गायब हो जाती है। और अब सभी खुद को उसी लेक में पाते हैं जहां मेलेनी जूलिया को मिली थी, पर यहां लाइल मिसिंग होता है। वहीं जिम को एग और स्कूल के वर्म होल के बारे में पता चलने पर वो एक सेवियर बनने के इरादे से मिलिट्री से सीक्रेटली सौदा करता है कि वो उन्हें एग लाकर देगा अगर वो उनके लिए सेफ पैसेज ऑफर करेंगे, पर वो लोग सिर्फ उसके और उसके बेटे के लिए तैयार होते हैं, जिस पर वो मजबूरी में मान जाता है। वहीं पोलिन और सभी का अपने करीबी से मिलने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर इस बार सैम का मेलेनी से मिलने पर वो उसके मरने के सीक्रेट को फाइनली रिवील करता है कि उसे ढकलने वाला लाइल ही था जिसने घबराहट में ऐसा किया, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड पोलिन एग से निकल रहे आवाज को झेल नहीं पा रही थी और वो खुद एग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो सभी एकदम डर गए थे, इसलिए उन्होंने उसकी लाश वहीं एग के साथ गाड़ दी, पर जेम्स अंकल को माफ करने के लिए तैयार नहीं रहता। पर एन मौके पर वो रुक जाता है जब एंजी का साया उसे हत्यारा बनने से रोक लेता है। पर अब टाउन की परेशानी कम नहीं होती, क्योंकि अब रेबेका को रियलाइज होता है कि डोम का मौसम तेजी से गुजर रहा है। और यहाँ एज एन ऑडियंस हमें अब क्लियर होता है कि आखिर सीजन 2 के एपिसोड 2 में मोनार्क बटरफ्लाइज का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना तेजी से कैसे बढ़ने लगा, क्योंकि डोम में अब हर नेचुरल चीज किसी कारण से तेजी से बढ़ने लगी है। अब लौटने पर बार्बी जूलिया के साथ प्लान बनाता है कि कैसे टाउन के लोगों को वर्म होल के थ्रू निकाला जा सकता है, पर उससे पहले ही एग जिम के हाथ लग जाता है। पर क्योंकि वो एग से कनेक्टेड नहीं है, एग उसे जोर के झटके से जैप कर देता है, पर होश आने पर वो गन के नोक पर नोरी को एग को खाई में फेंकने पर मजबूर कर देता है। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको इसका आगे का एपिसोड देखना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। प्लीज दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो पर कमेंट और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके ही रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई है और आपके ही कमेंट और लाइक से मेरी वीडियो चल पाएगी। और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो दोस्तों से शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।